आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोको एक्स टू को हार्ड रिसेट कैसे किया जाता है, यानी कि कोई भी डाटा अगर आपके फोन के अंदर हैवी हो जाता है या आपके फोन के अंदर कोई पैटर्न लॉक हो जाता है उसके वजह से आपको दिक्कत होता है, तो हार्ड रिसेट करने से आपके फोन जो है क्लीन हो जाता है। तो फुल क्लीन यानी डिटेल्स क्लीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना, मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो लाता रहता हूँ पोको एक्स टू के रिलेटेड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लेना आपके फोन के अंदर जो भी कोई नेसेसरी डाटा जो है रिसेंट फाइल में पड़ा है या टेम्पररी डिटेल्स से जो पड़ा है इसको सब सेव कर लेना या बैकअप ले लेना कहीं व्हाट्सएप वगैरह, जो भी डिटेल्स आप बैकअप लेने के बाद। हार्ड रिसेट इसीलिए करते हैं क्योंकि फोन के अंदर जो भी कोई मालवेयर होता है या कुछ दिक्कत होता है वो क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपको फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे फोन स्विच ऑफ करने के बाद ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन इसको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा ताकि रिकवरी मोड में जाएगा, वहां पे डाटा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया, वॉल्यूम ऑफ बटन और पावर बटन दोनों को प्रेस करने के बाद थोड़ा सा होल्ड करके रखो। यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम आ रहा है या बैक टू मेनू ऑप्शन आता है तो इधर ट्रैप करके ओके करना है। यहाँ पर देखिए मेन मेनू रेडमी रिकवरी 3.0, तो इसके इसके बाद वाइप डाटा और कनेक्ट विथ माई असिस्टेंट, तो यहाँ पे वाइप डाटा पे जाना है और सिंपल आपको यहाँ पे मेन बटन को प्रेस कर देना है, वाइप ऑल डाटा, और यहाँ पे ऑप्शन देता है, फिर दोबारा पूछ रहा है, फिर दोबारा आपको ये पावर बटन को प्रेस कर देना है, यानी कि आपको कंफर्म वाइप ऑल डाटा। तो इसके बाद आपके फोन के अंदर पूरा क्लीन हो जाएगा, कोई भी डाटा नहीं बचेगा। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई रहता है कोई डाटा आपको बैक रखना है तो आप पहले ही बैकअप रख लेना जरूरी है। तो यहाँ पे कंफर्म बटन के लिए वॉल्यूम डाउन बटन को टैप करेंगे, फिर पावर बटन के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पर देखो प्रोसेस स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इमिडिएटली डाटा वाइप सक्सेसफुल हो चुका है। तो बैक टू मेनू करना है, इसके लिए फिर आपको पावर बटन दबाना है और रिबूट ऑप्शन में सिलेक्ट हो रखा है, फिर पावर बटन को क्लिक कर देंगे, रिबूट टू सिस्टम, रिबूट टू बैकबोन, रिबूट टू सिस्टम, ओके। तो अभी देखते हैं हमारा पोको एक्स टू जो कि डाटा क्लियर क्लिक हुआ कि नहीं। मुझे ये इशू आया क्योंकि मुझे बूट लोडर अनलॉक करना था, तो जब मैंने लॉक कर दिया था एक बार अनलॉक करके तो उसमें दोबारा उन्होंने वहां पे मैसेज हो रहा था कि आप फोन को एक बार क्लियर क्लिस करिए, फिर ऐड करिए अकाउंट, फिर आप अनलॉक करिए, हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो कि पोको एक्स टू को हार्ड रिसेट करना पड़ा। आप लोग आपके केस में अगर आपके पैटर्न लॉक हो जाता है या आपके फोन में ज्यादा हैवी हो जाता है, कोई बहुत सारे फालतू के एप्लीकेशन आ जाते हैं या कई बार होते हैं वायरस आ जाते हैं, तो फोन को डाटा पूरा क्लियर क्लियर कर दीजिए, आपका सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बूट हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका साइन इन टू एमआई अकाउंट ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद स्किप दिस स्टेप, आपको अगर अकाउंट याद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बाद में जाके आप सेट बना सकते हो। यहाँ पर चूज थीम, ये कुछ टाइप का थीम इसके अंदर सेटअप हो रखा है तो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो आपका फोन जो है आपके सामने है, तो यहाँ पे देखिए सारे डाटा क्लीन हो चुका है और जो जो चीज आप देख रहे थे सब कुछ क्लीन है और नया भी हो चुका है। तो बस ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बंदे मातरम।